अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपको इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल से ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि आज इस वीडियो में ऐसी पांच इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन्स बताने वाला हूं जो 300 रुपए के बजट के अंदर है। और इस लिस्ट में कुछ सनस्क्रीन्स ऐसी भी हैं जो सिर्फ 200 रुपए के अंदर आपको मिल जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की आज इस वीडियो में आपको मैं ये बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि सनस्क्रीन क्यों यूज करनी चाहिए, सनस्क्रीन के फायदे क्या है, या अगर आप कोई भी सनस्क्रीन नहीं यूज करोगे तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी पुरानी वीडियो में अपनी बता चुका हूं। तो यहां कहीं लिंक आ गया होगा, अगर आपको वो चीजें देखनी है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 मिनट में इंडिया की 5 बेस्ट अफोर्डेबल सनस्क्रीन्स के बारे में बताऊंगा और इन सारी सनस्क्रीन्स को मैंने 1 से 5 तक की रैंकिंग दी है उनकी क्वालिटी के बेसिस पे, उनका टेक्सचर कैसा है, वो सनस्क्रीन ज्यादा ग्रीजी या ज्यादा ऑयली तो नहीं है, उनके साइड इफेक्ट्स क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनका प्राइस क्या है, इन सारी चीजों के बेसिस पे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो किसी भी ब्रांड ने स्पॉन्सर नहीं किया है। इस वीडियो में मैंने जितनी भी सनस्क्रीन यूज करी है वो सारी मैंने अपने पैसों से खरीदी और कुछ टाइम तक यूज करने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हेलो, मेरा नाम है ऋषि निषादन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। बिना टाइम पर बात करें वीडियो स्टार्ट करते हैं। 5th नंबर पे अरोमा मैजिक सन ब्लॉक लोशन। ये सनस्क्रीन 100% ऑक्सीबेंजोन, पैराबीन, हार्ज केमिकल, अल्कोहल और फ्रेग्रेंस फ्री है। SPF 30 PA++++ रेटिंग के साथ आती है और जब आप इस सनस्क्रीन को यूज करते हो तो आपके फेस पे जरा सा भी ऑयली या ग्रीजी फील नहीं आता है। अगर आप भी उन लोगों में से जिनको नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करना बहुत ज्यादा पसंद है तो आप इस सनस्क्रीन को बेझिझक यूज कर सकते हो। मुझे बस एक चीज सही लगी सनस्क्रीन के बारे में कि जब आप इस सनस्क्रीन को अपने फेस पे लगाते हो तो आपके फेस पे थोड़ी व्हाइटनेस आ जाती है। अब थोड़ी बहुत व्हाइटनेस आए तो ठीक रहता है, लेकिन थोड़ी ज्यादा व्हाइटनेस आ जाती है जो बहुत ज्यादा एविडेंट रहती है और कोई भी देखेगा तो आराम से नोटिस कर लेगा कि आपने अपने चेहरे पे कुछ ना कुछ तो लगाया है। अगर आपको इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैंने ये चीज नोटिस करी तो मैंने आपको इस वीडियो में ये चीज बता दी। अगर इस सनस्क्रीन के प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये 50 ml की बॉटल है और ये आपको 189 rupees में मिल जाएगी, तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। 4th नंबर पे न्यूट्रोजिना की अल्ट्रा शियर ड्राई टच सनब्लॉक। ये सनस्क्रीन SPF 50 PA++++ रेटिंग के साथ आती है और ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग सनस्क्रीन है। कार्ड पे इसकी 4.2 स्टार की रेटिंग है और 88,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस पे रेटिंग दी है। आप YouTube पे सनस्क्रीन की कोई भी वीडियो खोल के देख लो, उसमें आपको ये सनस्क्रीन तो मिल ही जाएगी, मतलब इतनी ज्यादा पॉपुलर है ये सनस्क्रीन। मैंने भी सनस्क्रीन को रेटिंग्स और रिव्यूज पढ़ के ही मंगाया था और ये सनस्क्रीन है भी बहुत अच्छी। वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, नॉन कॉमेडोजेनिक है, यानी आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करती जिससे एक्ने और पिंपल होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। मिनरल ऑयल्स और पैराबीन फ्री भी है। अगर इसके टेक्सचर की बात करें तो बहुत ज्यादा क्रीमी और थिन टेक्सचर है इसका। आप जब इसको फेस पे यूज करोगे तो एक बिल्कुल मैट फिनिश देती है, मतलब एक सनस्क्रीन में जो जो चीजें होनी चाहिए वो सारी चीजें। लेकिन तभी मैंने इसको 4th रैंकिंग इसलिए दी है क्योंकि मैंने जब इसको पहली बार यूज करा तो मेरे फेस पे एक बर्निंग सेंसेशन होने लगी थी। मुझे लगा शायद मेरे फेस वॉश की वजह से ये सारी चीजें हो रही, तो मैंने दूसरे दिन अपना फेस वॉश चेंज कर दिया, लेकिन तभी मैंने सेम बर्निंग सेंसेशन नोटिस करी जो बहुत ज्यादा वियर्ड थी। मतलब एक दो घंटे बाद सब कुछ ठीक हो जाता था, लेकिन तभी भी एक दो घंटे के लिए मैंने ये चीज नोटिस करी थी। आई डोंट नो ये चीज सिर्फ मेरे साथ हुई है और भी लोगों के साथ हो चुकी, लेकिन मैंने ये साइड इफेक्ट नोटिस करा तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 230 रुपए और उसमें आपको 30 ml क्वांटिटी मिल जाती है। 3rd नंबर पे लैक्टोकैलामाइन सनस्क्रीन विद SPF 50 PA++++ रेटिंग। अब इस सनस्क्रीन की खास बात ये है कि ये ऑयली स्किन वालों के लिए काफी ज्यादा अच्छी सनस्क्रीन है। अगर आपका फेस बहुत ज्यादा ऑयली या ग्रीजी रहता है तो ये आपके फेस से ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती है और आपके फेस को लेस ऑयली और लेस ग्रीजी लुक देती है। एक और चीज की इस क्रीम में विटामिन सी का यूज किया गया, तो अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम या सनबर्न की प्रॉब्लम है तो उस चीज को भी रिड्यूस करने में ये सनस्क्रीन काफी हद तक के हेल्प करेगी आपकी। अगर इसके टेक्सचर की बात करें तो इस सनस्क्रीन का टेक्सचर भी क्रीमी है, बस थोड़ा सा थिक है। अगर आपने लैक्टोकैलामाइन की कोई भी क्रीम यूज करी होगी पहले तो इस क्रीम का कलर भी वैसा ही है और इसकी फ्रेग्रेंस भी वैसी ही है। ओवरऑल कहें तो एक अफोर्डेबल अच्छी सनस्क्रीन है ऑयली स्किन वालों के लिए। प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 182 rupees फॉर 50 ml ट्यूब। बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि मैं इतनी देर से SPF 30 SPF 50 कर रहा हूं, लेकिन SPF 30 और SPF 50 होता क्या है? एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की इस वीडियो में मैंने जितनी भी सनस्क्रीन यूज करी है वो सब एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है, यानी आपको UVA और UVB दोनों रेस से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी उन सनस्क्रीन से। पहले बात करते हैं SPF की, तो SPF और कुछ नहीं बल्कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है और ये सन प्रोटेक्शन फैक्टर सिर्फ UVB रेस के रेफरेंस में होता है, यानी आपको UVB रेस से कितनी प्रोटेक्शन मिलेगी वो चीज मेजर करने के लिए SPF रेटिंग बनाई गई है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि जितना ज्यादा हाई SPF होगा उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन उनको मिलेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। SPF 15 की बात करें तो उससे आपको 93% UVB रेस से प्रोटेक्शन मिल जाती है। SPF 30 की बात करें तो उससे आपको 97% UVB रेस से प्रोटेक्शन मिल जाती है। और इसके ऊपर SPF कितना भी बढ़ता रहे लेकिन जो डिफरेंस होता है प्रोटेक्शन का वो बहुत ज्यादा कम होता जाता है। अगर SPF 50 की बात करें तो उससे आपको 98% UVB रेस से प्रोटेक्शन मिलेगी और SPF 100 से आपको 99% UVB रेस से प्रोटेक्शन मिलेगी। अब इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से SPF 15 से SPF 30 तक की जो सनस्क्रीन होती है वो मोर देन इनफ है। SPF 50 सनस्क्रीन भी सही है, लेकिन उससे ऊपर जाना कोई बहुत ज्यादा समझदारी की बात नहीं होगी। ये तो हो गई UVB रेस से प्रोटेक्शन की बात, लेकिन UVA रेस से प्रोटेक्शन
रेटिंग का क्या, तो यूवी ए रे से कितनी प्रोटेक्शन मिलेगी उस चीज को मेजर करने के लिए पीए प्लस रेटिंग का यूज किया जाता है। अगर आपकी सनस्क्रीन पीए प्लस रेटेड है मतलब आपको थोड़ी बहुत यूवी ए रे से प्रोटेक्शन मिलेगी, अगर आपकी सनस्क्रीन पीए प्लस प्लस रेटेड है मतलब आपको थोड़ी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी यूवी ए रे से, लेकिन अगर आपकी सनस्क्रीन पीए प्लस 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 रेटेड है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मतलब आपको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी यूवी ए रे से। सेकंड नंबर पे बायोटीक की मॉर्निंग नेक्टर सन प्रोटेक्ट मॉइस्चराइजर। अब इस सनस्क्रीन को सेकंड स्पॉट पे रखने के बहुत सारे रीजन है। जो सबसे पहला रीजन है वो ये है कि ये 100% बोटानिकल एक्सट्रैक्ट से बनी है जो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। दूसरा रीजन ये है कि इसका जो प्राइस है वो है सिर्फ 195 रुपीज और उसमें आपको 120 ml क्वांटिटी मिल जाती है जो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा मिलने वाली क्वांटिटी है किसी भी सनस्क्रीन में, और वो चीज इस सनस्क्रीन को इस लिस्ट की सबसे ज्यादा अफोर्डेबल सनस्क्रीन बना देती है। ये सनस्क्रीन भी एसपीएफ 30 की रेटिंग के साथ आती है और ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है, यानी यूवी ए और यूवी बी दोनों रेस से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी इसमें। इसकी अगर पैकेजिंग की बात करें तो इस लिस्ट में जितनी भी सनस्क्रीन है उनमें सबसे ज्यादा अच्छी पैकेजिंग इसी की है। अगर इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो उसमें भी सेम है, सबसे अच्छी फ्रेग्रेंस इसी सनस्क्रीन की है इस लिस्ट में। टेक्सचर की बात करें तो बहुत ज्यादा स्मूथ और आपके फेस पे बहुत आराम से इवनली स्प्रेड हो जाती है। जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लगाना पसंद नहीं है, और सनस्क्रीन के साथ होता क्या है कि आपको पहले मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है उसके ऊपर आपको सनस्क्रीन लगानी पड़ती है। मतलब सनस्क्रीन की लेयर जो होती है वो सबसे ज्यादा आउटर होनी चाहिए, उसके नीचे आप मॉइस्चराइजर या कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन इस सनस्क्रीन के साथ वो चीज नहीं है। इस सनस्क्रीन को आप सिंपली फेस वॉश करने के बाद लगा सकते हो और आपको कोई मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आपको सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर दोनों चीजें मिल जाती हैं। तो आपको ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना है, सिंपली अपना फेस वॉश करो, इस सनस्क्रीन को लगाओ, 20 से 30 मिनट वेट करो और आप आराम से बाहर जा सकते हो। अब ये सनस्क्रीन सारे स्किन टाइप के लिए सुटेबल है, लेकिन अगर आपकी सेंसिटिव स्किन भी है तो भी ये सनस्क्रीन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन होगी। फाइनली फर्स्ट नंबर पे है लोटस हर्बल्स की सेफ सन यूवी स्क्रीन मैट जेल। इस सनस्क्रीन की फर्स्ट नंबर पे होने का रीजन यही है कि ये सनस्क्रीन बहुत ज्यादा लाइट है। आप इसको जैसे ही फेस पे लगाते हो आपको लगता है कि आपने फेस पे कुछ लगाया ही नहीं है, आपको कुछ फील ही नहीं होता है, और उसी के साथ साथ ये एक मैट फिनिश सनस्क्रीन है और इसका जो टेक्सचर वो काफी ज्यादा स्मूथ है। इनफैक्ट इस लिस्ट में जितनी भी सनस्क्रीन है उसमें सबसे ज्यादा स्मूथ टेक्सचर इसी का है क्योंकि ये एक जेल बेस्ड सनस्क्रीन है, और उसी वजह से सनस्क्रीन को लगाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत आराम से आपके फेस पे इवनली स्प्रेड हो जाती है बिना कोई वाइट रेजिड्यू छोड़े। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उस केस में ये सनस्क्रीन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ऑयली स्किन होने की वजह से आपका जो फेस है बहुत ज़्यादा डार्क और डल लगता है, लेकिन इस सनस्क्रीन को आप लगाते हो तो आपके फेस पे जो ऑयल है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है क्योंकि ये एक मैट फिनिश देती है और आपका फेस ज़रा सा भी ऑयली या ग्रीसी नहीं लगता है। ये सनस्क्रीन भी SPF 50 और PA++ रेटिंग के साथ आती है और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है, यानी यूवी ए और यूवी बी दोनों रेस से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। इस सनस्क्रीन का सिर्फ एक ही डाउनसाइड और वो है इसका प्राइस। इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 251 रुपीज और उसमें आपको सिर्फ 30 ml क्वांटिटी मिलती है, जिसकी वजह से ये सनस्क्रीन इस लिस्ट की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सनस्क्रीन बन जाती है, लेकिन वही चीज है विद ग्रेट क्वालिटी कम्स ग्रेट प्राइस। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इस लिस्ट में मैंने जितनी भी सनस्क्रीन दिखाई है उनमें से किसी में भी साइड इफेक्ट मुझे देखने को नहीं मिला था, सिर्फ न्यूट्रोजिना वाली जो सनस्क्रीन थी उसमें मुझे देखने को मिला था साइड इफेक्ट, वो भी एक बर्निंग सेंसेशन हो रहा था, वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो मैंने जितनी भी सनस्क्रीन आपको दिखाई है उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आकर उसके रेटिंग्स एंड रिव्यूज पढ़ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो मैंने बताया था कि आपको सन से कैसे प्रोटेक्शन मिल सकती है जिससे आपको टैनिंग ना हो, लेकिन अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको टैनिंग हो ही गई है धूप में रह रहे के तो उस टैनिंग को रिमूव कैसे करना है, बेसिकली आपको अपनी स्किन को डिटैन कैसे करना है, तो वो वीडियो ना मिस हो इसलिए आप इस चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिए जिससे आपको फ्यूचर वीडियोस की सारी अपडेट्स टाइमली मिले। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड स्टे ग्रूम्ड। ऋषि निशा साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टाटा।